स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, क्रैशर व्यापारी के बेटे ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं ऐसे नहीं जी सकता। शिवनाथ नदी में मिली लाश। दुर्ग के शिवनाथ नदी में दो युवकों की गुरुवार सुबह लाश मिली। पहली लाश की पहचान राजनांदगांव निवासी ऋषभ सिंघल 26 साल के रूप में हुई है। ऋषभ के पास से पुलिस को सुसाइड लेटर भी मिला है, जिससे ये साफ है कि उसने खुदकुशी की है। वह क्रैशर व्यवसायी का बेटा था। वहीं दूसरे युवक की पहचान के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। दुर्ग CSP अभिषेक झा ने बताया कि ऋषभ सिंघल राजनांदगांव के वर्धमान नगर का रहने वाला था। घर वालों ने बताया कि बुधवार शाम को वो जिम जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। जब रात तक वो घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने उसके मोबाइल में कॉल किया तो वो बंद बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाला तो वो दुर्ग का मिला। गुरुवार को पुलिस जब दुर्ग में बघेरा के पास बने शिवनाथ नदी के ब्रिज पर पहुंची, वहां ऋषभ की बाइक, चप्पल व कपड़े मिले। जब उसके मोबाइल में फोन किया गया तो वह नहीं लगा। इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया गया। SDRF की टीम ने कई घंटे की खोज के बाद ऋषभ का शव बरामद कर लिया। उसके अलावा एक और शव को भी बरामद किया गया है। दूसरा शव भी 25-30 साल के युवक की बताया जा रहा है। ऋषभ के कपड़ों से एक सुसाइड लेटर मिला है। उसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह अब और नहीं रह सकता हूँ। इतने दिन तक आप लोगों का चेहरा देखकर जिंदा रहा, लेकिन अब इस तरह और नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ऋषभ 4 साल पहले सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। वह कई दिनों तक कोमा में भी रहा। इसके बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाया। उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाए इसके लिए वो जिम भी जाता था, लेकिन ऐसा न होने से वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहता था। ऋषभ के पिता अशोक सिंघल पेशे से क्रैशर व्यवसायी हैं। उनका ढेलकाडीह में अशोक सिंघल नाम से क्रैशर प्लांट है। उसे खुद अशोक सिंघल और उनका बेटा ऋषभ मिलकर देखते थे। परिजनों को ऐसा लगने लगा था कि अब ऋषभ ठीक हो रहा है और मानसिक रूप से रिकवर भी कर रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा।